प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैदिक गणित। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किसे हम वैदिक गणित कहते हैं। प्यारे बच्चों, वैदिक गणित का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है। शिक्षा विभाग हरियाणा में भी वैदिक गणित की बहुत सारी ट्रेनिंग का आयोजन किया जा चुका है। अभी कुछ दिनों पहले वैदिक गणित की प्रतियोगिता हुई थी, छठी से आठवीं कक्षा के लिए एक अलग से प्रतियोगिता थी और नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए अलग से प्रतियोगिता थी। तो सत्र 2021-22 में भी इस तरह की अनेक प्रतियोगिताएं होंगी। तो इसी के संदर्भ में हम वैदिक गणित की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किसे हम वैदिक गणित कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा खोजे गए 16 शब्द सूत्रों का संग्रह, उसको ही हम वैदिक गणित कहते हैं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वेदों से इन सूत्रों का संग्रह किया है। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अथर्ववेद से इन सूत्रों का संकलन किया है। स्वामी जी ने इन सूत्रों का जो संकलन है, इन सूत्रों की जो खोज है, 1911 से 1918 के मध्य में की थी। उन्होंने इन 16 सूत्रों के लिए 16 पांडुलिपियां लिखी थी, यानी कि एक सूत्र के लिए एक पांडुलिपि थी जिसमें उस सूत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। प्यारे बच्चों, हम अपने आगे के लेक्चर्स में इन सभी सूत्रों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जो सूत्र है, जैसे आपके परंपरागत गणित में सूत्र होते हैं, उनसे अलग है। ये शब्द सूत्र हैं, यानी कि शब्दों के रूप में संस्कृत भाषा में ये सूत्र लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो स्वामी जी ने इन 16 सूत्रों के लिए 16 पांडुलिपियां लिखी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये जो पांडुलिपियां लिखी थी, ये नष्ट हो गई। इसलिए स्वामी जी ने 1957 में इन्हें दोबारा लिखना शुरू किया। तो नष्ट हो जाने के कारण स्वामी जी ने इन पांडुलिपियों को 1957 में, या फिर ये कहें कि इन सूत्रों को 1957 में दोबारा से लिखना शुरू किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे केवल इन सूत्रों की प्रस्तावना ही लिख पाए, सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना ही लिख पाए। और 1960 में स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि इतने महान ज्ञान से हम वंचित रह गए। तो इस संबंध में, वैदिक गणित के संबंध में स्वामी जी द्वारा जो प्रस्तावना लिखी थी, उस प्रस्तावना से जो हमें संक्षिप्त जानकारी मिली है, उसी को हम वैदिक गणित कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा 16 सूत्रों के संदर्भ में जो प्रस्तावना लिखी थी, उस प्रस्तावना से जो हमें जानकारी मिलती है, उसके अध्ययन से जो जानकारी निकल के सामने आती है, उसी को ही हम वैदिक गणित कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के जीवन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्हें वैदिक गणित का सूत्रधार माना जाता है, जिन्होंने इन सूत्रों की खोज की। प्यारे बच्चों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।